सागर जिले के रहली में संचालित सीएम राइज स्कूल के भवन के निर्माण के लिए शासन ने 27 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले स्कूल भवन का प्रदेश के कद्दावर मंत्री गोपाल भार्गव ने भूमि पूजन किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि उन्होंने कई मंदिरों में बैठकर पढ़ाई की है, अब तो बड़े बड़े भवन और स्कूल बन गए हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार दृढ़ संकल्पित है। सीएम राइजिंग स्कूल रहली क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ये स्कूल बड़े बड़े नामी निजी स्कूलों से बेहतर परिणाम देगा। अब गरीबों के बच्चों को अल्प शुल्क पर गुणवत्ता युक्त बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। साथ ही क्षेत्र के बच्चे भी प्रशासनिक सेवा के बड़े बड़े पदों पर आसीन हो सकेंगे। चौधरी जैन मंदिर की धर्मशाला में बैठ के मैंने पढ़ाई की, और भी मंदिर के अंदर बैठ के मिश्रायन का मंदिर है उसमें बैठ के मैंने पढ़ाई की। आज गांव गांव में हर तीसरे चौथे गांव में एक एक करोड़ की बिल्डिंगें बन रही। आप देखेंगे कहीं से भी फिलगन से लेकर हमारे यहाँ तक आ जाए, इस दिशा तक कुंवर पर बमौरी तक गुंजोरा से लेकर आप इस दिशा तक चले जाए उमरा तक आपके लिए शानदार भवन बने मिलेंगे। यह इसलिए बनवाए गए कि आप सभी लोग इसमें उत्तम शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन जब हमने देखा कि हमारा उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी की कल्पना, हम सब हमारी कैबिनेट की कल्पना, हम सब लोगों की बैठक से जो उत्पन्न हुआ वह यही हुआ कि हम सीएम राइजिंग के नाम से ऐसे स्कूल खोलेंगे जिनमें गरीब से गरीब बच्चा भी इतने नंबर प्राप्त कर सकेगा कि वह भी आरई जैसे कलेक्टर बनने की स्थिति में, जैसे दीपक जी कलेक्टर हैं ऐसे कलेक्टर बनने की स्थिति में आ जाए। मैं सभी चाहता हूँ मेरे तमाम, आप फिर आगे जो भी आप उद्योग करना चाहें उद्योगपति बने। रहली से आदेश अग्निहोत्री, सागर टीवी न्यूज़।